हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल डीएसपी स्टडी में आपका स्वागत है। तो अपनी आरसीसी चल रही थी, तो आरसीसी की आज आपकी फोर्थ क्लास है। और अभी तक जो आरसीसी में हमने सीखा सिंगली रेनफोर्स बीम में अपन ने एमआर निकालना सीखा था, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, और डिजाइन निकालना सीखा था। ठीक, डिजाइन अपने स्टेप भी लिखी थी और आपने न्यूमेरिकल भी किए थे। तो आज उसके बाद अपना अगला टॉपिक है डबली रेनफोर्स बीम। कौन सा है आपका? डबली रेनफोर्स बीम। आइए अपन देखते हैं डबली रेनफोर्स बीम आपकी क्या होती है, इसका एमआर कैसे निकालते हैं, इसकी डिजाइन अपन कैसे करते हैं। देखो, एक तो आपका सिंगली का क्वेश्चन आता है, एक आपका डबली का क्वेश्चन आता है। ठीक है, डबली में भी आपके दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो आपका मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एमआर निकालने का बनता है, और एक आपका बनता है डिजाइन ऑफ डबली रेनफोर्स बीम। तो अभी आपको न तो एमआर निकालेंगे और नहीं अपन डिजाइन करेंगे, सिर्फ क्या सीखेंगे अभी अपन डबली रेनफोर्स बीम आपकी क्या होती है। तो देखते हैं अपन डबली रेनफोर्स बीम आपकी क्या होती है। ठीक है, देखो आपने सिंगली में पढ़ा था कि आपकी सिंगली रेनफोर्स बीम क्या होती है। तो सिंगली में क्या होता था, आपकी जो बीम होती थी, आपके देखो दो जोन होते हैं बीम में, एक तो होता है आपका कंप्रेशन जोन और एक होता है आपका टेंशन जोन। सी का मतलब हो जाएगा आपका कंप्रेशन जोन और टी का मतलब हो जाएगा आपका कंप्रेशन जोन। ठीक है, तो जब सिंगली आपकी जो होती है, सिंगली में आपकी सिर्फ टेंशन जोन में क्या लगाए जाते हैं, आपके स्टील वायर लगाए जाते हैं। लेकिन डबली में भी अपन डबली में क्या करते हैं, टेंशन तथा कंप्रेशन जोन दोनों ही जोन में क्या लगाए जाते हैं, आपके स्टील वायर लगाए जाते हैं। जबकि सिंगली में आपके वहां लगाए जाते हैं, सिर्फ टेंशन जोन में वाल लगाए जाते हैं। ठीक है, तो बीम की जो ब्रेथ होगी उसको किसे दर्शाएंगे, अपन पीछे दर्शाएंगे वही जब सिंगली में दर्शाते थे। और बीम की जो इफेक्टिव डेप्थ रहेगी, टोटल डेप्थ जो होती है उसको तो कैपिटल डी से दर्शाते हैं अपन, लेकिन इफेक्टिव डेप्थ जो होगी आपकी बीम के टॉप से और टेंशन जोन में लगी हुई स्टील वायर के सेंटर तक की जो डिस्टेंस होती है वो कहलाती है आपकी इफेक्टिव टैप कहलाती है। उसके बाद आपका डीटी आ जाएगा, डीटी बराबर क्या होता है आपका इफेक्टिव कवर इन टेंशन। तो देखो डीटी बराबर क्या होता है आपका टेंशन जोन में लगी हुई स्टील वायर के सेंटर से, टेंशन जोन में लगी हुई स्टील वायर के सेंटर से और बीम के बॉटम तक की जो डिस्टेंस होती है वो ये कहलाती है आपकी डीटी, इफेक्टिव कवर या प्रभावी आवरण कहलाती है। अब देखो डीटी का मान अभी तक क्या था, आपके सिर्फ टेंशन जोन में स्टील वायर लगे हुए थे, अब आपके कहां लगे हुए हैं, कंप्रेशन जोन में भी आपके स्टील वायर लगे हुए हैं। तो इसमें देखो, इसमें भी आपको कुछ इफेक्टिव कवर का मान होगा, तो इसमें अपन डीटी से दर्शाएंगे, तो इसमें किससे दर्शा देंगे अपन डीसी से दर्शा देंगे। लेकिन हमेशा आपको ये याद रखना है, जो आपका डीटी का मान रहेगा वही किसका मान रहेगा, आपका डीसी का मान रहेगा। अब देखो इसमें अपन इफेक्टिव डेप्थ कहां से ले रहे हैं, टॉप से ले रहे हैं, तो इफेक्टिव डेप्थ कहां से ले सकते हैं, बॉटम से भी ले सकते हैं, बीम के बॉटम से, और कंप्रेशन जोन में लगी हुई स्टील वायर के सेंटर तक जो डिस्टेंस होगी वो भी ये कहलाएगी आपकी इफेक्टिव डेप्थ कहलाएगी। लेकिन चाहे अपन टेंशन जोन में लो, चाहे अपन कंप्रेशन जोन में लो, इफेक्टिव डेप्थ और इफेक्टिव कवर का मान हमेशा क्या रहेगा आपका, दोनों जोन में बराबर रहेगा। उसके बाद आता है आपका एक्सयू। अब एक्सयू क्या होती है, एक्सयू होता है जब आपके बीम के टॉप से, ये क्या होगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस होगी, बीम के टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक की जो आपकी डिस्टेंस होती है वो ये कहलाती है आपकी एक्सयू कहलाती है। और एक्सयू का मान आपको निकालना पड़ता है, न्यूमेरिकल के अंदर आपको एक्सयू का मान निकालना पड़ता है। ठीक है, तो देखो आपके बी बराबर, आपका बी बराबर क्या हो जाएगा, फिर तो बीम हो जाएगी, डी टी बराबर डी सी बराबर डी डैश। अब देखो इसको डी टी बोलो चाहे डी सी बोलो, चाहे दोनों को एक साथ क्या बोल देते हैं, डी डैश बोल देते हैं। तो डी डी अपन डी डैश बराबर क्या हो जाता है, इफेक्टिव कवर ऑफ बीम हो जाती है। उसके बाद आपका डी होता है स्मॉल डी, स्मॉल डी बराबर क्या होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम होता है। और एच टी बराबर क्या होता है आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन होता है। और एच सी बराबर क्या होता है आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। ठीक है, एरिया का जो फॉर्मूला रहेगा वो भी आपका सेम रहेगा, सिर्फ आपको फर्क कहां लगेगा, एक तो टेंशन है और एक में क्या है आपका कंप्रेशन। ठीक है, इसमें क्या लेना आपको, एच टी में टेंशन लेना और एच सी में क्या लेना आपको कंप्रेशन लेना। ठीक है, उसके बाद अपन देख लेते हैं, ये आपकी बीम है सेम, तो आपकी ये बीम बनी हुई है, वही क्या है आपकी ये बीम बनी हुई है। लेकिन इसमें तो आपने सिर्फ क्या सीखा है, डीसी क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक है, बी आपका क्या होता है, एसी क्या होता है, आपका एसी आपका क्या होता है। अभी देखो अपन क्या करते हैं, आपको निकालना होता है एक्सयू का मान। देखो सिंगली के अंदर आपके लिए एक्सयू का फॉर्मूला था, एक्सयू बराबर होता था आपका 0.87 FA ST / 0.36 FC/P। तो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, एक्सयू का मान निकालना पड़ेगा। लेकिन इसमें आपके एक्सयू का मान क्या निकलेगा, थोड़ा अलग निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ अपन टेंशन जोन में स्टील वायर लगा रहे थे और कंप्रेशन जोन में आपकी कंक्रीट लगी हुई थी। लेकिन इसमें देखो आपके टेंशन जोन में स्टील वायर भी लगा हुआ है और कंप्रेशन जोन में भी आपके स्टील वायर लगा हुआ है। तो कंप्रेशन जोन में आपकी कंक्रीट भी लगी हुई है, स्टील वायर भी आपका लगा हुआ है, और टेंशन जोन में आपकी क्या लगा हुआ है, स्टील वायर लगे हुए हैं। ठीक है, तो टेंशन जोन में जो आपका स्टील के कारण जो आपका फोर्स आता है वो होता है आपका टी बराबर 0.87 FA ST, 0.87 FA ST होता है। अब देखो कंप्रेशन जोन में आपके दो तरीके से फोर्स आते हैं, आपको पता है जो कंक्रीट आपकी होती है वो कंप्रेशन में मजबूत होती है, लेकिन आपकी स्टील जो होती है वो टेंशन में मजबूत होती है। लेकिन स्टील आपकी कंप्रेशन में फेल होती है तो कंक्रीट आपकी टेंशन में फेल होती है। तो देखो जब अपन कंप्रेशन जोन में स्टील वायर लगा रहे हैं और कंक्रीट तो आपकी लगेगी क्योंकि कंप्रेशन जोन है,
कोई कंप्रेसिव फोर्स कौन सेंड करेगा आपका, कंक्रीट सेंड करेगी। कंप्रेसिव फोर्स आपका कौन सेंड करता है, कंक्रीट सेंड करती है। तो कंक्रीट तो इसमें लगेगी लगेगी, लेकिन हमने और भी क्या लगाया इसमें, आपने स्टील वायर, स्टील वायर आपने क्यों लगाया, क्योंकि जब ज्यादा लोड की स्थिति में क्या लगाना पड़ता है आपको, कंप्रेसिव जो आपने स्टील वायर लगाना पड़ता है। तो देखो इसमें जो आपका कंप्रेसिव जोन है उसमें आपके दो तरीके के फोर्स आएंगे, एक तो आपका C1 आएगा, एक क्या आएगा आपका C2 आएगा। C1 जो आता है वो किसके कारण आता है, आपका कॉन्क्रीट के कारण, और C2 जो आएगा वो किसके कारण आएगा आपका स्टील बार के कारण। तो C1 बराबर होता है आपका 0.36 FCK HU into B और C2 बराबर होता है आपका FSC into AC। अब देखो B का B आप जानते हो क्या होता है, अभी बताया था, और HU आप जानते हो क्या होता है। अब FC के बराबर क्या होता है आपका, तो FC के बराबर होता है आपका ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, और FSC बराबर होता है आपकी डिजाइन स्ट्रेस इन कंप्रेशन। डिजाइन स्ट्रेस किसमें हो गया आपके कंप्रेशन, ठीक है। और एक होता है आपका एसी, एसी हमने अभी पढ़ा था, एसी क्या होता है आपका एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन। उसके बाद एफआई क्या होता है आपका, एफआई होता है ग्रेड ऑफ स्टील, स्टील की ग्रेड, और एसटी क्या होता है आपका एरिया ऑफ स्टील इन टेंशन, ठीक है। तो अपन एक्सयू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्सयू निकालने के लिए दोनों जोन में जो आपके फोर्स लगे हुए हैं दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, अपन बराबर कर देते हैं। तो देखो आपके टेंशन जोन में टी लगा हुआ है और कंप्रेशन जोन में आपका सी वन और सी टू लगा हुआ है, तो क्या कर देंगे अपन, टी बराबर सी वन प्लस सी टू, इससे क्या निकल जाएगा आपका एक्सयू का मान निकल जाएगा। तो टी का मान अपने पास कितना 0.87 एफआई बराबर सी वन का मान कितना अपने पास 0.36 एफसीके एक्सयू इनटू बी और सी टू का मान कितना अपने पास एफएससी इनटू एसी। अब देखो एफसीके का मान और एफआई का मान आपको कहां मिलेगा, न्यूमेरिकल के अंदर मिलेगा। B का मान कहां मिलेगा, न्यूमेरिकल के अंदर मिलेगा। D का मान कहां मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल के अंदर मिलेगा। DT का मान कहां मिलेगा आपको, न्यूमेरिकल के अंदर मिलेगा। लेकिन DT का मान आपको नहीं दिया हुआ, तो आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं DT का मान आपको 30 से 40 एमएम तक क्या करना है, अज्यूम करना है। लेकिन सिर्फ आपको प्रॉब्लम का आएगी, अभी आपको एक तो एसी निकालना है, एक आपको एसी निकालना है, एक आपको एफएससी निकालना है। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है वो आती है एफएससी निकालने में, क्योंकि एफएससी निकालने के आपके एक नहीं दो तीन तरीके होते हैं, लेकिन अपन जो पढ़ेंगे वो सबसे सिंपल आपका तरीका होगा, ठीक है। तो देखो आप क्या करते हैं, एक एक तो है आपका एएचटी, एक है आपका एएचसी। तो एएचटी बराबर जो होता है आपका पाई बाई फोर इंटू फाइव टी के स्क्वायर। अब फाइव टू क्या हो जाएगा, फाइव आपका टी क्या हो जाएगा, फाइव टी बराबर होता है आपका एरिया ऑफ स्टील, क्या हो जाएगा आपका एरिया, एक बार का जो आपका डाया होगा, एक बार का जो आपका डाया होगा वही क्या हो जाएगा आपका फाइव हो जाएगा। लेकिन टेंशन में टी का मतलब क्या हो जाएगा आपका टेंशन हो जाएगा, यहाँ पर सी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका कंप्रेशन हो जाएगा। एक बार का जो आपका डायर रहेगा वो क्या हो जाएगा आपका फाइव हो जाएगा। अब यदि वो आपका डायर टेंशन में तो फाइव टी हो जाएगा और कंप्रेशन में तो आपका फाइव सी हो जाएगा। उसके बाद आपके नंबर्स ऑफ स्टील किसमें, टेंशन जोन में, और यहाँ भी कहा है आपके नंबर्स ऑफ स्टील लेकिन किसमें रहेगा आपका कंप्रेशन जोन में। तो एच टी बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई फोर इंटू फाइव टी का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा आपके नंबर्स ऑफ स्टील, और एसी बराबर क्या हो जाएगा आपका पाई बाई फोर इंटू फाइव सी का स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा आपका नंबर्स ऑफ स्टील, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एफएससी निकालना। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसमें आती है एफएससी निकालने में, एफएससी क्या होती है आपकी डिजाइन स्ट्रेस होती है, किसमें होती है कंप्रेशन में होती है, ठीक है, और किसके अंदर होती है स्टील के अंदर आपकी होती है, रेइंफोर्समेंट के अंदर होती है, ठीक है। तो एफएससी का जो ऊपर मान निकालेंगे, एफएससी का जो ऊपर मान निकालते हैं ना वो किसके अनुसार निकालते हैं अपन, डी डैश अपॉन डी के अनुसार, किसके अनुसार निकालना है आपको डी डैश अपॉन डी के अनुसार। यदि आप एफएससी का मान निकाल दे तो आपके पास डी डैश का मान होना चाहिए और डी का मान होना चाहिए। तो देखो डी का मान तो आपको न्यूमेरिकल के अंदर मिलेगा और डी डैश मैंने बोला था आपका डी डैश क्या होता है, चाहे डी टी बराबर डी सी बराबर क्या होता है आपका डी डैश होता है, चाहे उसको डी टी बोलो चाहे डी सी बोलो चाहे क्या बोल सकते हैं अपन डी डैश बोल सकते हैं, और इसका भी मान आपको कहां मिलेगा न्यूमेरिकल के अंदर, या फिर अपन क्या करते हैं इसका मान अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो देखो मान लो अभी किसके अनुसार निकलता है आपका, किसके अनुसार निकलेगा आपका ग्रेड ऑफ स्टील के अनुसार। अब ग्रेड ऑफ स्टील के अनुसार निकलेगा तो देखो डी डैश अपॉन डी क्या हो जाएगा आपका डी डैश अपॉन डी, तो डी डैश अपॉन डी और क्या निकलेगा आपका एफएससी का मान। अब देखो आपको क्या करना है, यदि डी डैश अपॉन डी का मान कितना आ रहा है आपका 0.05 आ रहा है, या फिर डी डैश अपॉन डी का मान 0.10 आएगा, या डी डैश अपॉन डी का मान आपका 0.15 आएगा, या डी डैश अपॉन डी का मान आपका 0.20 आएगा, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है आपका, लेकिन इससे ज्यादा आपका डी डैश अपॉन डी का मान नहीं आएगा, और इससे कम भी आपका डी डैश अपॉन डी का मान कभी भी नहीं आता, ठीक है। और किसके अनुसार निकालना आपको, ग्रेड ऑफ स्टील के अनुसार। यदि आपकी ग्रेड ऑफ स्टील कितनी है एफआई 250, तो चाहे आपका डी डैश अपॉन डी का मान 0.05 आए चाहे आपका 0.20 आए, सभी के लिए एफएससी का मान क्या रहेगा आपका 217 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है एफआई 415 और एफआई 500। यदि एफआई 415 है आपका और यदि आपका डी डैश अपॉन डी का मान 0.05 आ रहा है,
तो आपका एफएससी का मान कितना हो जाएगा 355 हो जाएगा, 0.10 के लिए 353 हो जाएगा, 0.15 के लिए 342 हो जाएगा और 0.20 के लिए 329 हो जाएगा। इसी प्रकार अपने एफआई 500 के लिए 424 हो जाएगा, किसके लिए 0.05 के लिए, और 0.10 के लिए आपका 412 हो जाएगा, 0.15 के लिए 395 हो जाता है आपका, और 0.20 के लिए आपका 370 हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद अपन क्या करते थे, आपका एफएससी का मान निकालना सीख गया और आपने एक्सयू का मान निकाल लिया, एज की आप निकाल सकते हैं, एज से आप निकाल सकते हैं, और न्यूमेरिकल में आपको बी डी और सभी का मान क्या हुआ होगा, गिवन होगा। तो उसके बाद अपन क्या निकाल सकते हैं, अपन एमआर का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो भी आपने सिंगल लाइन कोर्स सिंपल इंट्रोडक्शन, अभी अपन क्वेश्चन करने वाले हैं एमआर का। देखो मोमेंट ऑफ प्रेजेंस का जो अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो न्यूमेरिकल आपको कैसा आता है, या तो अपन थ्योरेटिकल रूप में आएगा या डायग्राम के रूप में आएगा या आपको कुछ ऐसे वैल्यू दे दी जाएंगी। तो देखो आपको कैसे कैसे आ सकता है, थ्योरेटिकली में आ सकता है, थ्योरेटिकली में आएगा तो जाएगा आपको एक डबली रेनफोर्स बीम, एक डबली रेनफोर्स बीम या दोहरी प्रबलित धरण का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जिसको प्रतिरोधी आघूर्ण अपन बोलते हैं, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालिए जिसकी चौड़ाई कितनी दे रखी है आपको 230 mm और प्रभावी गहराई या इफेक्टिव डेप्थ कितनी दे रखी है आपको 460 mm, और डीटी डीसी या डीडेस का मान कितना दे रखा है आपको 40 mm। ठीक है, और उसके बाद देखो आपको ये आपका 460 mm हो जाएगा, ये आपका 40 mm हो जाएगा। उसके बाद दे रखा आपको कि कंप्रेशन मेंबर में, कंप्रेशन जोन में, कंप्रेशन में, कंप्रेशन जोन कौन सा हो गया आपका न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाला हो गया, और टेंशन जोन कौन सा हो जाएगा आपका न्यूट्रल एक्सिस से नीचे वाला। तो कंप्रेशन जोन में दो स्टील वायर लगे हुए आपके, नंबर ऑफ दो कितने हो गए आपके स्टील वायर हो गए, उनको फाइव दे रखा आपको कितना दे रखा है 16 mm, मतलब एक जो आपका बार लगा हुआ उसका डायर कितना दे रखा आपको 16 mm। उसी प्रकार टेंशन जोन में आपके कितने स्टील वायर दिए हुए हैं, 4 स्टील वायर दिए हुए हैं, और जो आपको 4 नंबर ऑफ स्टील और 5C बराबर, ये आपका 5C होगा और ये आपको 5T होगा। ठीक है, तो 5C बराबर कितना दे रखा आपको 16 mm, तो 5T कितना दे रखा आपको 20 mm, 5T कितना दे रखा आपको 20 mm और 5C कितना दे रखा आपको 16 mm। ठीक है, उसके बाद देखो आपको चाहे यदि आपको डायग्राम में नहीं आता तो कैसा आएगा आपको कुछ वैल्यू के रूप में आएगा, तो B बराबर दे दिया आपको 230 mm, स्मॉल डी दे दिया आपको 460 mm, और डीडेस का मान दे दिया आपको 40 mm, और 5D बराबर क्या होता है आपका डाया और बार इन टेंशन, तो कितना देगा आपको 20 mm, और नंबर ऑफ बार कितना देगा आपको 4 mm, और 5C देगा आपको 16 mm, और नंबर ऑफ बार कितना देगा आपको 2। ठीक है, FI आपके लिए 415 देगा और FC क्या आपको 20 देगा। FI क्या होता है आपका ग्रेड ऑफ स्टील, और FC क्या होता है आपकी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। तो ये तो क्या हो गया आपका क्वेश्चन, ये न्यूमेरिकल हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखो सॉल्यूशन में अपन जब अपने सिंगल रेनफोर्स बीम की थी तब सबसे पहले क्या निकाला था आपने, एचडी का मान निकाला था, उसके बाद आपने एक्सयू का मान निकाला था, एक्सयू के बाद अपन ने एक्सयू और एक्सयू मैक्स के अगेंस्ट कंपैरिजन किया था, और उन्हीं के आधार पर अपन क्या निकालते हैं एमआर का मान निकालते हैं। लेकिन इसमें अपन को सेक्शन डिवाइड नहीं करते क्योंकि अपन जो बैलेंस आए चाहे अपना अंडर रेनफोर्स सेक्शन आए चाहे आपको ओवर रेनफोर्स सेक्शन आए आपकी वैल्यू आपका एमआर का फॉर्मूला क्या रहेगा इसमें आपका सेम रहेगा। तो देखो इसमें भी क्या निकालना पड़ेगा आपको, सबसे पहले एचडी का मान निकालना पड़ेगा, एचडी का जो आपने फॉर्मूला लगा तो वो क्या हो जाएगा आपका 5/4 × 5T का स्क्वायर इनटू नंबर्स ऑफ स्टील। तो देखो 5/4 × 5T का स्क्वायर, 5T का मान कितना दे रखा आपको 20 mm दे रखा है, तो 20 का स्क्वायर इनटू नंबर्स ऑफ बार कितना दे रखा आपको 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो उसके बाद देखो ये क्या निकल जाएगा आपके एचडी निकल जाएगा 1256 कुछ निकलता है आपको, लेकिन आपको कितना ले लेना है 1256 ले लेना है। उसके बाद आपको निकालना है एसी का मान, एसी बराबर में आपको यही फॉर्मूला होता है 5/4 × 5C का स्क्वायर इनटू नंबर्स ऑफ बार, ये नंबर्स ऑफ स्टील। तो 5/4 5C का मान कितना देगा आपको 16 mm, तो आपको 16 mm ले लेना है, और नंबर्स ऑफ बार कितना देगा आपको 2, तो यहां पर भी आपको क्या ले लेना है 2 ले लेना है। यहां से नहीं देखते आपको डायग्राम में दिया हुआ है नंबर्स ऑफ बार कितने दे रखे हैं आपको 2 दे रखे हैं, और एचटी के अंदर नंबर्स ऑफ बार कितने दे रखे हैं आपको 4 दे रखे हैं, इसमें 5T का मान 20 mm दे रखा है और इसमें 5C का मान 16 mm आपने ले लिया। ठीक है, तो ये तो क्या निकल गया आपका एचटी और एसी का मान, अपने कंप्रेशन जोन तथा टेंशन जोन दोनों में क्या निकाल लिया स्टील का एरिया निकाल लिया। उसके बाद आपकी बात आती है एफएससी की, जो उस टाइम अपने टेबल बनाई थी अभी, तो क्योंकि एफएससी निकालना सबसे क्या होता है आपका टफ होता है, लेकिन ये क्या है आपकी सबसे सिंपल विधि है। ठीक है, तो एफएससी को किससे निकालेंगे, डीडेस अपॉन डी का मान से निकालते हैं, डीडेस अपॉन डी, डीडेस का मान कितना अपने पास 40, डी का मान 460, इनको जो कैलकुलेट करेंगे कितना आ रहा आपका 0.086 आता है, इसको क्या मानते हैं अपन 0.9 मानते हैं, लेकिन 0.9 तो आपके कहीं टेबल में था ही नहीं, अपने पास क्या था देखो एक तो 0.05 था एक 0.10 था। ठीक है, एफआई 415 ले रहे हैं तो 0.05 के लिए 355 था और इसके लिए 353 है, लेकिन अपना मान कितना आ रहा है अभी 0.09,
अपना मान कितना आ रहा है 0.09। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना है, देखो या तो अपने यदि आपको फिक्स वैल्यू निकालनी होती है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगता है, एफएससी का आपको फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जैसे 0.09 के लिए आपको वैल्यू निकालनी है एफएससी की, तो उसका फॉर्मूला होता है आपका y1 + y2 - y1 / x2 - x1 × x - x1। उस फॉर्मूले से क्या निकल जाता है आपका 0.09 का मान निकल जाता है, लेकिन आपको इतना फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, देखो 0.09, अब आपको दो वैल्यू दे दी थी 0.05 और 0.10। अब 0.09 किसके नजदीक आ रहा है आपका, 0.10 के नजदीक आ रहा है। यदि आपका 0.06 आता तो इसके नजदीक आ रहा था, 0.07 आता था तो 0.05 के नजदीक आता था, और 0.08 आ गया, 0.09 आ गया, वो किसके नजदीक आ जाएगा आपका 0.10 के नजदीक आ जाएगा। तो एफएससी का मान कितना हो जाएगा आपका 353, क्योंकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है अपने मान में, इधर 353 है तो इधर कितना आपका 300, इधर आपका 355 है तो इधर कौन सा आपका 353। यदि आपका ज्यादा डिफरेंट होता है, जैसे 10 का डिफरेंस आ गया, 20 का डिफरेंस आ गया, उस स्थिति में क्या निकालना है आपको, फॉर्मूले से मान निकालना है, लेकिन आपने इसमें क्या ज्यादा डिफरेंस नहीं आता, तो आपने 0.09 के लिए एफएससी का मान कितना है, लेकिन 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। तो एफएससी का मान कितना हो गया आपका 353 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ये किसका मान हो जाएगा आपका, एफएससी का मान हो जाएगा। उसके बाद निकालना पड़ता है आपको एक्सयू, अब एक्सयू मैंने आपको बताया था, जब एक्सयू निकालते हैं तो अपन क्या करते हैं, टेंशन में जो आपका फोर्स लग रहा है, कंप्रेशन में जो आपका फोर्स लग रहे हैं, दोनों को क्या कर देते हैं अपन, बराबर कर देते हैं, तो टी बराबर क्या हो जाएगा आपका C1 + C2। टी बराबर आपको अभी बताया था मैंने 0.87 होता है, C1 बराबर क्या होता है आपका 0.36 एफसी का एक्सयू इनटू बी, और C2 बराबर क्या होता है आपका एफएससी इनटू एएससी, ठीक है। तो उसके बाद देखो टी पर आपका यहाँ पर मान ले जाएगा 0.87 एफआई कितना दे रखा है आपको क्वेश्चन के अंदर, 415 एसटी हमने निकाला था, 1256 आ रहा है आपका, 0.36 एफसी का आपको क्वेश्चन के अंदर 20 दे रखा है, एक्सयू का मान आपको निकालना ही है, ठीक है, बी का मान आपको 230 दे रखा है, एफएससी का मान 353 निकाला है आपने, एसी आपने 402 निकाला है, ठीक है। तो आपको देखो इनको जब अपन कैलकुलेट करेंगे इनको क्या करना है आपको आपस में इंटू करना, तो मान कितना आ जाएगा आपका 453.47 × 10^3 बराबर। अब आपको यहाँ से यहाँ भी क्या कर लेना है, इनको इंटू करना है, उसके बाद आपको इन दोनों को इंटू करना है, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ आपका प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इनको इंटू करने पर क्या आएगा आपका 1600 और इंटू में क्या करना है आपका एक्सयू चल रहा है, और इन दोनों को इंटू करने पर क्या रहा है आपका 141.10^3, ठीक है। उसके बाद देखो अपन को क्या करना है, 1656 एक्सयू प्लस का 141.90 × 10^3, तो इसको कहां लाएंगे अपन, बराबर के इधर ले जाएंगे, तो अभी प्लस में चल रहा है तो इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा आपका, तो देखो 453.47 × 10^3 माइनस क्या कर देना आपको 141.90 × 10^3 बराबर में क्या चल रहा है आपका 1656 एक्सयू, ठीक है। तो 453.47 में से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास 311.57 × 10^3 बराबर में क्या चल रहा है आपका 1656 एक्सयू, ठीक है। तो एक्सयू अब देखो 1600 आपका इंटू में चल रहा है, एक्सयू इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा आपका, तो एक्सयू बराबर क्या हो जाएगा आपका 311.57 × 10^3 में भाग किसका दे देना आपका 1656 का दे देना है, तो उससे किसका मान निकल के आ जाएगा आपका एक्सयू का मान आ जाएगा। एक्सयू का अब एक्सयू का मान क्या करता है आपका, बीम के टॉप से न्यूट्रल एक्सिस तक जो आपकी डिस्टेंस थी वो क्या लगती है आपकी एक्सयू, तो अपने पास किसका मान आ गया अभी एक्सयू का मान आ गया। तो देखो सिंगल इनपुट फ्रेम के अंदर अपन क्या करते हैं, एक्सयू का मान आपका निकल गया, उसके बाद अपन एक्सयू मैक्स निकालते हैं पेज नंबर 70 से, एक्सयू मैक्स अपन निकाल लेते हैं तो दोनों को अपन कंपैरिजन करते हैं कि एक्सयू का मान एक्सयू मैक्स के बराबर आ रहा है या एक्सयू का एक्सयू मैक्स से कम आ रहा है या आपका ज्यादा आ रहा है। तो आपके उसी प्रकार का बीम सेक्शन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, और तीनों का क्या होता है आपका फॉर्मूला अलग होता है, लेकिन आपको इसमें क्या करना है, डब्ल्यू के अंदर आपको फॉर्मूला क्या होता है एक ही होता है, चाहे आपका बैलेंस इनपुट सेक्शन आए, चाहे आपका अंडर इनपुट सेक्शन आए, चाहे आपका ओवर इनपुट सेक्शन आए, फॉर्मूला क्या रहेगा आपका एमआर का एक ही रहेगा। तो एमआर का जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है आपका 0.36 एफसी के एक्सयू इनटू बी इनटू डी माइनस 0.42 एक्सयू प्लस एफएससी इनटू एसी डी माइनस डी डैश, ठीक है। तो देखो आपको मान रख देना 0.36 एफसी का मान 20 हो जाएगा, एक्सयू आपने निकाल लिया 188 आपने रख दिया, बी का मान आपने रख दिया, डी का मान आपने रख दिया, एक्सयू का मान आपने रख दिया, एफएससी एसी और डी और डीएस का मान आपने रख दिया, तो अपन सबको कैलकुलेट करने पर क्या आ रहा है आपका 178.22 × 10^6 न्यूटन इनटू एमएम, ठीक है। तो ये किसका मान आ गया आपका एमआर का मान आ गया। और देखो आपको यही याद रखना, जब अपन कैल्सियम में किसी भी एमआर का मान सॉल्व करते हैं तो हमेशा जो वैल्यू आती है तो 10^3 में आती है, 10^6 में आती है, 10^9 में आती है, तो हमेशा जो एमआर की वैल्यू आएगी ना वो किसमें आएगी आपकी 10^6 में आएगी, क्योंकि आपका एमआर का मान इतना छोटा नहीं आएगा कि 10^3 में आ जाए, इतना बड़ा नहीं आएगा कि 10^9 में आ जाए, तो हमेशा आपका एमआर का मान किसमें आएगा 10^6 में आएगा। और एमआर क्या होता है आपका मूवमेंट होता है, तो मूवमेंट की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन इंटू एमएम, क्योंकि मूवमेंट हो रहा है क्या होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर
resistance, तो फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी न्यूटन, और मीटर की क्या हो जाएगी आपकी एमएम हो जाएगी। तो इससे क्या निकल जाएगा आपका एमआर निकल जाएगा। तो देखो आपने सिंगली का एमआर सीखा था, उसके बाद क्या निकाल लिया आपने डब्ली का एमआर। तो डब्ली का एमआर अपना डायरेक्ट न्यूमेरिकल करा दिया, तो इसी के आधार पर अपने सभी क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल कर सकते हैं। और इसके अलावा कोई आपका डब्ल्यू का यदि एमआर का न्यूमेरिकल आ रहा है, इसके अलावा आपका कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा। इसमें आपको क्या कर सकता है ज्यादा से ज्यादा, देखो आपको 460 डी का मान दे दिया, या तो आपको कैपिटल डी का मान दे देगा और डी डैश का मान दे देगा, उससे क्या निकाल सकते हैं अपन स्मॉल डी का मान निकाल सकते हैं। या फिर आपकी वी के वैल्यू चेंज करेगा, या फिर अपन नंबर्स ऑफ बार चेंज करेंगे, या फिर डाया ऑफ बार चेंज करेंगे। इसके अलावा आपका डब्ल्यू का क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं डब्ल्यू रेन क्वेश्चन। अगली क्लास में अपन लेके आएंगे डिजाइन ऑफ डब्ल्यू रेन क्वेश्चन में अपन कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, कोई भी आपको यदि प्रॉब्लम आती है डब्ल्यू रेन कोर्स में सिंगल रेन कोर्स में, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर हमको कमेंट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन तुरंत किया जाएगा। ओके, थैंक यू।